हे गाइस व्हाट्सएप, आप लोग कैसे हो? बस आप लोग शायद ठीक होगा। और आज मैं फाइनली एक चीज़, बहुत दिन से वीडियो बनाऊंगा ये लिए मैंने सोचा था, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था मेरा चैनल में कौन सा वीडियो फर्स्ट टाइम डालूँ। आप लोगों को बहुत रिकमेंड था और मेरा भी बहुत इच्छा था जो मैं एक आप लोग को झकस चीज़ दिखाऊँगा, वो भी ऑल ओवर इंडिया में। शायद मेरे हिसाब से पाँचे है जो एब्सोल्युटली बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई दूसरे चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइक की है। तो आज मेरे पास वो गाड़ी आई है, मेरा ऑफिस पे आई है। और आप लोगों को पता है मैं KTM में था पहले, KTM छोड़ के फिर मैं बेनेली में आया। तो फाइनली ये गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊँगा, लेकिन दिखाने से आप लोग बाधा करो, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और मेरे को कॉमेंट करके बोलो मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को, मेरा ब्लॉगिंग जो है वो किस लेवल पे होना चाहिए। पर मेरे में कोई अगर कमी हो तो वो भी मेरे को कमेंट में बताओ, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फाइनली वो चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत एक्साइट हूँ मैं भी, बहुत एक्साइट हूँ मैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में शायद दो ओनर के पास है, मार्क्स नीचे कर लेता हूँ, शायद वेस्ट बंगाल में दो ओनर के पास ही है वो है ये वाला जो बेनेली 899, इसको टोर्नाटो 899 बोलते हैं। और ये गाड़ी का लुक आप देख सकते हो, और मैं बैक कैमरा करके आपको दिखा रहा हूँ तो कैसा है गाड़ी का, और गाड़ी का साउंड भी आप लोगों को वीडियो देंगे, साउंड भी सुनाएंगे। गाड़ी बहुत मस्त है, पावर चला के भी दिखाएंगे आप लोगों को, पावर एकदम परफेक्ट पावर है, मतलब आप थोड़ा सा एक्सीलेटर देंगे तो कम से कम बहुत पिकअप ले लेगा, एकदम 100 की स्पीड पकड़ते भाई, 3 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ते ये गाड़ी। और ये गाड़ी में फाइनली मैं रिव्यू दूंगा ये गाड़ी का, क्या क्या फीचर्स है और करके मैं क्या क्या काम हुआ है, सब कुछ मैं आज वीडियो में डिस्कस करके बात करेंगे। तो ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच गाइस, बाय। ये गाड़ी का टाइमिंग रॉन्ग था, तो इसी की वजह से हम लोग इसको हेड खोले, उसके बाद इसका टाइमिंग सही किया, और अभी गाड़ी टाइमिंग सही करने के बाद इसको फीडिंग करते हैं। आप लोग देख सकते हो वीडियो में कैसे इसको खोला था और फीडिंग भी किया। ये जो हेड है इसमें मार्किंग देना पड़ता है, क्योंकि अगर उल्टा सीधा हो जाएगा तो मतलब इनलेट का एग्जॉस्ट में कैम सब लग जाएगा तो गाड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगी, इसीलिए हम मार्कर यूज़ करते हैं। मार्कर में क्या होता है ना, अपना लिख के रखते हैं, सुविधा होती है, और कंपनी का रिकमेंड भी है इसका जो भी सेटिंग का चीज़ है उसमें ही लगाना, नहीं तो एग्जॉस्ट का इनलेट चला जाएगा, इनलेट का एग्जॉस्ट में चला जाएगा। और ये सब काम एक प्रॉपर टेक्नीशियन को करना चाहिए, ना कि कोई बाहर ऐसे मत खोलना चाहिए। अगर इसको प्रॉपर तरीके से काम नहीं करना तो इसको नहीं आता है भाई, तो प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा इसको मत खोलो भाई, छिड़कनी मत करो, क्योंकि ये गाड़ी छिड़कनी वजह से ही गाड़ी इतना गंदा डैमेज हो गया गाड़ी का है। अभी तो गाड़ी चलो स्टार्टिंग पे रुक जाएगी, गाड़ी अच्छा हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर तरह का ये करना चाहती है। चलो मैं हेड को फिटिंग करता हूँ, आप लोग ब्लॉग को कंटिन्यू देखते रहिए, थैंक यू सो मच गाइस, और थोड़ा सपोर्ट करिए। अभी जैसे इसका इनलेट एग्जॉस्ट साइड में जो वाल्व हमने सेम लगाया उसका मेजरमेंट कर रहा है, और सेम मेजरमेंट करने टाइम पे आपको ध्यान में ये चीज़ रहना चाहिए, जो इनलेट में क्या रखना था, एग्जॉस्ट में क्या रखना था, 0.0 से 0.5 mm तक ये जाती है, और इसमें रॉकर आर्म नहीं होता है, इसमें सिर्फ सेम ही लगती है। ओके गाइस, तो गाड़ी ऑलमोस्ट फिटिंग हो गया, तो गाड़ी को थोड़ा सा साउंड अप करते हैं और गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी कैसा आया। तो गाड़ी अच्छा खासा फिर परफॉर्मेंस दे रही है, तो इसको रोड में चलाना होगा, ऐसे नहीं चला सकते, तो रोड के निकलने के लिए चलो निकलते हैं, बाय गाइस।
तो मैं प्लीज़ बोलूँगा, आप कमेंट करके बोलिए कैसा लगा आप लोगों को ये गाड़ी। देख सकते हो आप गाड़ी को, पीछे का टायर देखो, पीछे का टायर एकदम फोर व्हीलर का जैसा टायर है। तो इसमें ABS नहीं है, कंपनी ने इसको ABS क्यों नहीं दिया है, क्योंकि ये बहुत स्पोर्ट गाड़ी है और बहुत रॉ पायर है गाड़ी में। ऐसा रॉ पायर बिनली की गाड़ी में, सुपर बाइक में ज़्यादातर कम मिलता है। टोर्नाटो नॉकिंग ट्राई 899, और इसमें ABS छोड़ के CBC ब्रेक कंट्रोलिंग दिया हुआ है। इसका ब्रेक कंट्रोल भी अच्छा है, जो ये जो पोस्टर आता है ना, ये ज़्यादातर सुपर बाइक भी यूज़ करती है। देख सकते हो आप लोग गाड़ी, ये गाड़ी बहुत प्रॉब्लम था, गाड़ी को मैंने ठीक किया मेरा हाथों से, और अभी ये गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। मैं ये गाड़ी का मीटर देख रहा हूँ, बहुत पावरफुल इंजन है इसका, बहुत बड़े लगा देंगे ना, बहुत आपको साउंड नहीं सुनाई नहीं देगा। ऐसा लुक है गाड़ी की जो आम गाड़ी के बहुत ही अच्छी जगह गाड़ी होती है, देख सकते हैं। अभी ऑफ हो गया है गाड़ी, क्योंकि ज़्यादा चला नहीं सकते गाड़ी को, क्योंकि ये प्राइवेट रूम है और ये बहुत इंच का इंजन बहुत हीट होता है, गाड़ी टेम्परेचर बहुत पकड़ती है। तो फाइनली ये गाड़ी में डिस्कस के बात करते हैं, इसके इसमें 118 का BHP होती है गाड़ी, जो ट्रॉक बहुत अच्छा ट्रॉक है गाड़ी की। और मैं इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अब मैं फ़ोटोशूट करके मैं दिखा दूँगा आप लोगों को, फ़ोटो में एल्बम में, और थंबनेल भी आप देख लेना, गाड़ी की पूरी डिटेल्स रहेगी, कितना BHP है, कितना हॉर्स पावर की इंजन है। ये 899 तो लिखा है, लेकिन ये 1000 CC का जैसे काम करता है गाड़ी में। ऑल ओवर इंडिया में शायद 4 या 5 है, पूरा वेस्ट बंगाल में 2 बंदे के पास। अभी शायद एक कस्टमर ने इसको चेंज कर दिया दूसरी गाड़ी लेने के लिए। ये गाड़ी का मार्केट में बहुत डिमांड था, लेकिन ये सुपर बाइक के ऊपर बहुत पार है। अगर किसी ने बंदे ने ZX 10R चलाया, भूसा चलाया, अगर ये 899 बेनेली चला लिया, तो शायद वो बोलेगा भाई क्या पावर है। मैं आपको चला के भी दिखाऊंगा। और फाइनली ये गाड़ी बाहर से भी काम हुआ था गाड़ी के, तो इसी के वजह से गाड़ी बहुत डैमेज था इसका, मेरे अपने हाथों से गाड़ी को मैंने ठीक किया। ये गाड़ी अभी एकदम परफेक्ट कंडीशन है, शायद कस्टमर मिलेगा अपना 15-16 तारीख तक कस्टमर आ जाएगा। इसका एयर फिल्टर चाहे मोबिल चेंज हुआ है, स्पार्क चेंज हुआ है, इसका चेन रॉन्ग, वायरिंग जला हुआ था, जो भी है सन बहुत अच्छी गाड़ी, सब कुछ करके गाड़ी एकदम फिट हुआ है। मैंने तो गाड़ी चलाया, बहुत अच्छी है। तो लास्ट वीडियो को देख के रहना और फुल वॉचिंग करना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कॉमेंट कर देना, और मेरे को कॉमेंट करके बोलो कैसा लगा हम लोगों का वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय गाइज़।